हेलो दोस्तों, वेलकम बैक जेटे कपड़े दोस्तों चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्प्लेंडर प्लस BS6 आप यहां पर देख सकते हैं, इसका टायर कब और कितने किलोमीटर पर बदलवाना चाहिए और किस कंपनी का बेहतरीन होता है। दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे स्प्लेंडर प्लस का ये जो टायर है दोस्तों, ये TVS कंपनी का लगाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं TVS टायर दिया गया है, 2/75/18 का ये साइज़ दोस्तों, और ये ट्यूबलेस टायर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ट्यूबलेस टायर का कुछ इस तरीके से आपको स्विच मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और शेफ डिलक्स में आपको इस तरीके से स्विच मिलेगा, वो भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आपको ट्यूब वाले टायर की स्विच मिलेगी, और ट्यूबलेस टायर में आपको इस तरीके से स्विच मिलता है। इसी को देखकर आपको पता लग जाना चाहिए कि ट्यूबलेस है कि ट्यूब टायर। तो दोस्तों, ये टायर जो है अगला आपका मान के चलिए, अगर अच्छे से प्यार से अगर आप इसको चलाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 20 से 25 हज़ार किलोमीटर से भी ज़्यादा चल जाएगा अगर आप अच्छे चलाते हैं, नहीं तो आपको 25 से 28 हज़ार किलोमीटर पर आपको टायर अगले बदलवाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, 1200 से 1400 रुपये का इसका प्राइस आपको पड़ेगा। ट्यूबलेस टायर थोड़ा सा 100-200 आपको ट्यूब वाले टायर से महंगा पड़ेगा। अब अगर पिछले टायर की बात करें तो पिछला टायर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी यहाँ पर आपको ट्यूबलेस लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूबलेस टायर लिखा हुआ है, और ये भी दोस्तों आपको TVS टायर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं TVS कंपनी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये आपका पिछला दोस्तों 22 से 24 हज़ार किलोमीटर पर आपका ये TVS टायर बदल जाएगा, और ये भी आपको ट्यूबलेस टायर है। ये लगभग 1600-1700 रुपये के अप्रॉक्स लगभग इसकी प्राइस होगी, कम ज़्यादा होता रहता है, आप पता कर सकते हैं। तो ये टायर आपका मान के चलिए 25,000 किलोमीटर, 22 से 25,000 आप चला सकते हो प्यार से ये टायर। उसके बाद दोस्तों, आपको अगला टायर जो है दोस्तों, वो अगर आप चाहें तो कुछ और भी ज़्यादा चल सकता है, लगभग 30,000 भी आप चला सकते हैं, वो आपके चलाने के ऊपर है। क्योंकि अगर आप जितना अच्छे से चलाएंगे, सेफ्टी से चलाएंगे, जितना हवा आप अच्छे से रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हवा ज़्यादा चेक नहीं करवाते हैं, ना ज़्यादा बराबर हवा रखते हैं, तो उन लोगों के जल्दी टायर घिस जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप हवा बढ़िया बराबर रखेंगे, अच्छे चलाएंगे, तो ये आपको मान के चले कि 30,000 किलोमीटर से कम नहीं चलेगा अगला, और पिछला आपका मान के चले कि 22 से 24 हज़ार किलोमीटर ये भी आपका नंगा देगा दोस्तों। तो ये जानकारी कैसे लेके हमें ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।